बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में दो जगह पर एनकाउंटर हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां में चल रहे एनकाउंटर में तीन आतंकियों को मार गिराया है। वहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि आतंकियों का संबंध अल बदर से था। वहीं बड़गाम के बीरवा में भी आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है, जहां पर पुलिस के जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ शहीद हुए हैं। वहीं सेना के एक जवान के घायल होने की जानकारी निकल के आ रही है। आपको ये भी बता दें कि एनकाउंटर की जगह से आतंकी फरार हो गए हैं। इलाके को घेरा गया और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं जो शोपियां में एनकाउंटर चल रहा था, वहां से तीन आतंकियों को मार गिराने में जो सुरक्षा बल है जम्मू कश्मीर में, उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। दो जगह पर एनकाउंटर चल रहा था, एक शोपियां में, एक बड़गाम में। बड़गाम में एक एसपीओ शहीद हुए हैं, वहीं शोपियां में तीन आतंकियों को मार गिराया गया। एक्टिविस्ट का चाहे कितना बड़ा लीडर नहीं हो, उनका भी डोजियर बना रहा हूँ। हर एक एक्टिविटी को मैं हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, उसको करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ईपीए एक्ट को थोड़ा पढ़ लें, दो तीन बार पढ़ लीजिए। ईपीए एक्ट बड़ा बहुत क्लियर कट है। अगर आप जुलूस निकालते हैं डेड बॉडी मांगने के लिए तो एफआईआर नहीं लगेगी, लेकिन जुलूस निकाल के आप एंटी इंडिया, एंटी कंट्री, एंटी स्टेट जो आप जुलूस बोलेंगे, सेसेशन की बात करेंगे तो उस पर एक्ट करती है। यही बिलाल अपने हिलाल लोन जो है, अकबर लोन एमपी साहब के बेटा है, उनका ऑडियो देखिए। लोग बोला कि ईपीए क्यों लगाए, आप खुद देखिए ऑडियो में क्या बोल रहा है। ऑडियो में बोल रहा है कि मैं मिलिटेंट को ट्रेनिंग दूंगा। आप इस पर ईपीए नहीं लगा तो किस पर लगेगा? मिलिटेंट को आप ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, ईपीए लगेगा? लगेगा। तो आप देखें कि जहां उनके फादर सिर्फ मांगते डेड बॉडी तो एफआईआर नहीं लगता, यूपीए का नहीं लगता है, लेकिन जब एंटी गवर्नमेंट एंटी इंडिया बोलेगा तो लगेगा। तो देखा आपने किस तरीके से सुरक्षा बलों ने क्लियर मैसेज दे दिया है। और इधर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी एक साथ जुड़ गए। इधर कल रात से चल रहा था ऑपरेशन, और इन दोनों ऑपरेशन को लेकर अभी क्या अपडेट है, क्या ऑपरेशन फिनिश हो गया है दोनों जगह का? जी नावेद, मैं आपको बता दूं कि जो शुपियन वाला ऑपरेशन है, जहां पर तीन अल बदर के मिलिटेंट्स जो है वो मारे गए हैं, साथ ही उनके पास से आर्म्स एंड एमिनेशन भी रिकवर हुआ है, वो ऑपरेशन अब फॉलो अप कर दिया गया है। वहां तीनों बॉडीज जो हैं वो रिकवर कर ली गई है, और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो भी खत्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर जो बड़गाम का ऑपरेशन चल रहा था, वो जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद हुआ है और एक कांस्टेबल जख्मी हुआ है, वो ऑपरेशन जो है, मैं आपको बता दूं कि जिस घर में मिलिटेंट्स छुपे हुए थे वहां से वो फरार होने में कामयाब हो गए, पर बताया ये जा रहा है कि मिलिटेंट जख्मी हालत में वहां से फरार हुए हैं, और एक ब्लड ट्रायल जो है वहां पर पुलिस को मिला है, जिसके बाद अभी भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है उस इलाके में लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इधर तमाम जानकारी के लिए।